Hello everyone, in this video I want to show you how to install PyMySQL package for Python in Windows operating system. यदि आपने PyMySQL package को install नहीं किया है या करने वाले हैं या आप कर चुके हैं तो कैसे पता करेंगे कि आपका MySQL जो PyMySQL package है वो install है कि नहीं, वो इस वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा। सबसे पहले आपको आना होगा, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे जो कर्सर यहाँ पे चल रहा है वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा pip, ठीक। पिप के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे गैप करने के बाद आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा इंस्टॉल, ठीक है। यदि आपने इंस्टॉल नहीं किया है या किया है तो भी आपको बता देगा, इंस्टॉल किए होंगे तो भी आपको बता देगा, नहीं किए होंगे तो भी बता देगा, ठीक है। तो आप मैं क्या करूँगा, इंस्टॉल लिखूंगा INSTALL, ठीक है। मैं इंस्टॉल लिख दिया, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा py, ठीक है। जैसे मैं लिख रहा हूँ उसे आपको लिखना है पाई और यहाँ पर लिखेंगे माई, ठीक है, पाई माई और यहाँ पर लिखेंगे SQL, ठीक है। आप जैसे लिखेंगे, आप इसके बाद जैसे लिख के यानी pip install PyMySQL जैसे लिखेंगे उसके बाद एंटर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, यदि इंस्टॉल किया होगा तो आपको दिख देगा कि इंस्टॉल हो गया, यदि नहीं किया होगा तो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। इसे मैं इसे रन कर रहा हूँ तो यह बता रहा है कि डाउनलोड नहीं हुआ है, यानी मैं इसको रन करूँगा तो भी हमको क्या हुआ, नहीं मिला। इसका मतलब ये हुआ कि pip हमारा है वो हमारा इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। देखिए हमारा इंस्टॉल होना शुरू हो गया, अब पहले इंस्टॉल नहीं हो रहा था, अभी देखिए हमारा आ गया। इसे मैंने pip install MySQL लिखा, ए वाला लिखेंगे तो आपका इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। देखिए हमारा यहाँ दिखा रहा है कितना 1.3 KB/s के रफ्तार से इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉलिंग कलेक्टेड पैकेज MySQL, ठीक है, सक्सेसफुली इंस्टॉल PyMySQL। अब दिखा दिया कि जो आपका वो है इंस्टॉल है, मतलब इंस्टॉलेशन प्रोसेस हो क्या होगा, पूरी तरह से क्या होगा, कंप्लीट हो गया है। और आपको लिखना क्या है, जब भी आप खोलेंगे कमांड प्रॉम्प्ट आपको लिखना होगा pip pip install, और यहाँ पे सब इस्तेमाल में ही रहेगा, कोई भी कैपिटल में नहीं रहेगा। मैं पहली बार क्या किया था, गलती कर दिया था, जो PyMySQL मैंने इसको करके कैपिटल कर दिया था, इसलिए मुझे जो है पैकेज इंस्टॉल नहीं हो रहा था। और यहाँ पे दिखा भी दिया डिफॉल्टिंग टू यूजर इंस्टॉलेशन बिकॉज नॉर्मल साइट पैकेज इज नॉट रिटेबल कलेक्शन PyMySQL डाउनलोडिंग हो रहा है अभी PyMySQL 1.0.2 py3 नॉन एनी, यहाँ पे दिखा रहा है। देखिए आप क्या कर सकते हैं, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, इंस्टॉल करने के बाद ही आप इसमें जो भी काम करना होगा, डाटाबेस क्रिएट करना होगा कर पाएंगे, ठीक है। तो आप इसको आसानी से यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं, और चेक करना होगा तो आप यहीं पर लिखिएगा pip install MySQL। इसमें यहाँ पे फिर आप लिख रहा हूँ, देखिए क्या हो रहा है, मैं यहाँ पर आऊँगा pip और मैं आप क्या करूँगा इंस्टॉल करूँगा, ठीक है, यहाँ पर आऊँगा इंस्टॉल, ठीक है, और फिर मैं करूँगा पाई माई सिक्वल, ठीक है, यहाँ पे करूँगा। फिर देखिए रन किया, देखिए क्या होता है, इंस्टॉल होता है नहीं होता है। तो हमारा देखिए लिख दिया है ऑलरेडी यहाँ पे डिफॉल्ट टू यूजर इंस्टॉलेशन बिकॉज नॉर्मल साइट पैकेज नॉट रेटेबल रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड PyMySQL इन सी, मतलब ऑलरेडी क्या हो गया, इंस्टॉल हो गया। कहाँ इंस्टॉल में भी दिखा दे रहा है, किसी ड्राइव के अंदर जाइए, यूजर के अंदर जाइए, पृथ्वी प्रजापति यहाँ पे एप डाटा के अंदर जाइए, रोमिंग के अंदर जाइए, पाइथन और पाइथन 3.10 इसके अंदर जाएंगे, साइट पैकेज आपका क्या होगा, बन गया है, ठीक है। अब आपको करने की जरूरत नहीं है, ये इसका मतलब यह हुआ, ऑलरेडी इसने लिख दिया। मैंने क्या किया, इंस्टॉलेशन प्रोसेस यहाँ पर क्या किया, कंप्लीट कर लिया है, जैसे कि इसने दिखा दिया है, ठीक है, 43 KB का है इसका जो साइज है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, आप आसानी से यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। और यहाँ चेक करने का तरीका ये है कि लिखिएगा pip install PyMySQL, और जब भी लिख देगा ऐसा तो समझिए कि आपका इंस्टॉल हो गया, आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है।